फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और फाइनली हम लोग कोसी बैरेज नेपाल में पहुंच गए हैं और यहां का नज़ारा आप लोग पूरा वीडियो में देखिएगा कि कैसे हम लोग यहां पे पहुंचे, कैसे क्या हुआ, कितना मुसीबत हुआ, क्या सब खाए। और बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है, बहुत ही यात्रा बहुत हम लोग अच्छे ढंग से किए हैं। और आज का नज़ारा आप लोग देखिएगा तो दिल खुश हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डरावना भयानक भी लगेगा कि कैसा है नहीं है यहाँ का। आजकल का पूरा पानी ही पानी पूरा बिहार में फैला हुआ है यहाँ पर तो, और आपको कहीं घर नूर नज़र भी नहीं आएगा, हर जगह पानी ही पानी है हर जगह। और इतना खतरनाक जगह है यहाँ पर, हम लोग बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हम लोग दोस्तों के साथ घूमे, मेरे दोस्त सब हैं और खाना भी खाएंगे और आप लोग देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, आज आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो में। अभी हम लोग कुनौली बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं, नेपाल सीमा के पास। तो यहाँ पर एंट्री नहीं है बाइक का और हम लोग पैदल यहाँ से निकलेंगे नेपाल घूमने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा बॉर्डर इलाका, और हमने वहाँ पीछे में बाइक लगा दिया है। सर ने बोला कि बाइक लगा दीजिए और अपना नेपाली टैक्सी स्कॉर्पियो जो करना है अपना भाड़ा करके आगे जाना है। नोली बॉर्डर में देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, आप उस साइड भी कैमरा उस साइड भी करके दिखाते हैं आपको जरा सा। और इधर से हम लोग पैदल जाएंगे आगे, अब पता नहीं क्या मिलेगा। आप लोग ब्लॉग में प्लीज बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है आज। ठीक है, ओके। बहुत ही अच्छा है द्वार ये, और इधर हम लोग नेपाल में हम लोग एंट्री मारेंगे। दूर है वो बात समझ गए, इतना ही एक मिनट का भी रास्ता नहीं है, वो हम भी समझते हैं। इधर पानी है ना, इधर से रास्ता। सीसीटीवी है, सीसीटीवी है हमारा हाकिम। जा रहे हैं पैदल और आगे जो मिलेगा सो मिलेगा, आप लोग आए बोलिए सब। चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है आगे, टैक्सी मिले, स्कॉर्पियो मिले, जो मिले जो मिले। जाने दे रहा था सामने से, हम लोग नीचे से होके जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग जंगल साइड से, इधर से नीचे से स्लोपिंग करके जा रहे हैं हम लोग। गर्मी से है, बहुत ज्यादा गर्मी है आज, लेकिन ऑटो में बैठ गए हैं और अभी हम लोग जाएंगे नेपाल तरफ बैरेज। और कितना लिया है? 600। हम लोग आ गए हैं बैरेज नेपाल के पास, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है सो तो पढ़ ले। और देखिए आपको हम दृश्य दिखाते हैं, इधर बिहाइंड द सीन देखिए, आप लोग देख सकते हैं यही है नेपाल बैरेज। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, पूरा आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा पानी ही पानी। अभी हम लोग पूरा एकदम पुल पे हैं, बैरेज पुल पर, और कोसी नदी पर ये पुल बना हुआ है। और ये नेपाल में हम लोग अभी हैं, पूरा आप लोग देख सकते हैं दृश्य। उतर के उस साइड जाने वाला है थोड़ा सा घूमने के लिए वहाँ तक, लेकिन अभी बहुत पानी, हम लोग जाने का नहीं सोच रहे हैं, इधर नहीं जाना है, इधर पानी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कहीं मिस हो गया तो खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए कितना कितना दूर तक कितना लहर है पानी में, इधर भी आप दिखा देते हैं नीचे तक, देखिए देख लीजिए आप लोग कितना पानी है, बहुत ज्यादा लहर कितना ज्यादा है, देख लीजिए कितना लहर है कोसी नदी में। और व्यू देखिए कितना एकदम खतरनाक लग रहा है, डेंजरस, बापरे। बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फाटक है आप लोग देखिए, अभी दो तीन चार ही उठाया हुआ है फाटक, पूरा अगर फाटक उठा देगा तो पूरा इंडिया लगभग पूरा बिहार में ये पानी जा सकता है, इतना पानी ज्यादा है। सो देखिए पूरा ऊपर का भी सीन आप लोग दिखा देते हैं, पूरा आप लोग सीन देख सकते हैं इधर कितना दूर तक है। अभी हम लोग थोड़ा भी नहीं क्रॉस किए हैं पुल को,
बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा है, बहुत ही खतरनाक भी है। कुछ लोग खड़े होके उस साइड का दृश्य देख रहे हैं, इसी पुल पे घूम रहे हैं बैरेज पर चारों दोस्तों के साथ। अब भूख तो बहुत ज्यादा लग गया है, आप देखते हैं उस साइड होटल है कि नहीं है। आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में, अभी बहुत ही एकदम अच्छा तो दृश्य है लेकिन अभी खतरनाक है, बहुत ज्यादा पानी है इधर, पूरा सब फाटक खुला हुआ है। और आगे आप लोग देखिए कितना लहर है पानी में, कोसी नदी में। और अगर सारा फाटक अगर खोल दिया जाएगा जैसे यहाँ का पुलिस ने बताया तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकता है। तो जिस तरह पानी का लेवल रहता है उसी हिसाब से खोला जाता है इधर फाटक को। देखिए कितना बड़ा बड़ा फाटक है, आप लोग ज़रा देखिए गौर से। जो लोग मेरे दोस्त मेरे भाई बाहर में रहते हैं उनको आप लोग ज़रा दृश्य तो कम से कम देख लीजिए। तो हम आप ही लोगों के लिए शूट करने आए हैं और आप लोग प्यार बनाइए और चैनल को सपोर्ट में रहिए। पानी का साउंड ज़रा सुन लीजिए, पूरा ललकार रहा है पानी कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इस बार पूरा डुबा दूंगा। देख लीजिए ज़रा आप, पानी का साउंड सुनिए ज़रा, देखिए लहर देखिए कितना लहर है, पानी का आवाज़ कितना खतरनाक लग रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के दृश्य का मजा लेते हैं, पूरा देखिए दृश्य आप लोग। और अब जा रहे हैं थोड़ा सा खाना खाने के लिए। देखिए इचना मछली, इसको झींगा मछली भी बोला जाता है, बैरेज इलाका में इसी तरह का भोजन इधर मिलता है। अभी हम लोग बैठ के खाना खाएंगे और देखिए इधर फ्राई किया हुआ मछली रखा हुआ है ऑलरेडी। अभी हम लोग होटल में बैठ गए हैं और हम लोगों के टेबल पर अभी झींगा मछली फ्राई होके पहुंच गया है, अभी हम लोग इसको खाएंगे। छोटा सा रास्ता है इधर और इधर से हम लोग आए हैं पूरा अंदर की तरफ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है लेकिन बढ़िया है, अच्छा लोकेशन लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि हम इधर हैं और इधर मेरे दोस्त सब है आसपास में, शूट कर रहा है सब, मोबाइल से बना रहा है वीडियो, कैमरा वैमरा से फोटो वोटो खींच रहा है। बहुत ही अच्छा जगह है लेकिन आजकल बिहार में यही सब ट्रेंडिंग न्यूज़ में है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कोसी बैरेज के पास। आप लोग देखिए दूर दूर तक कहीं भी घर नज़र नहीं आ रहा और कितना लंबा यहाँ पे एकदम नदी है, लंबा चौड़ा कोसी का, ये खतरनाक जगह कहा जाएगा। और दृश्य तो अच्छा भी है लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ पे आके, लेकिन फाइनली बहुत अच्छा है। ठीक है बहुत ही खतरनाक लग रहा है नीचे में, थोड़ा सा डर भी लगा लेकिन बहुत ही एंजॉय भी किए, थैंक यू। इधर घूमने के बाद बहुत ही एकदम छोटा रास्ता है डरावना टाइप से, पतली गली उसको घूम घाम के एकदम एंजॉय करके अब जा रहे हैं घर तरफ। अब निकलेंगे यहाँ से लोग, अब जा रहे हैं वापस, फिर हम लोग इंडिया तरफ मूव कर चुके हैं। और हम लोग अभी वैसे बैरेज पर हैं, अभी आप लोग इधर देख भी सकते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा घूमने में, कैसा लगा, कहाँ कहाँ घूमे बताइए। आए पहले एक्चुअली कनौली बॉर्डर, वहाँ पे बाइक खड़ा की है, यहाँ से दोनों साइड से प्रशासन से पूछ के पूरा हर चीज कैसे होगा। हम लोग एक्चुअली प्लान था पहले बाइक से आने का, तो हम लोग को पता नहीं था लेकिन जाने नहीं दिया पुलिस। हाँ तो इसके बाद ऑटो की है 800 रुपया, बहुत एकदम महंगा महंगा चल रहा है अभी लॉकडाउन है, सीजन लूट रहा है मतलब। हाँ 100 रुपये का मच्छी खाए इतना थोड़ा सा मतलब 50 ग्राम भी नहीं होगा, 50 ग्राम का 100 रुपया मतलब तल के सिर्फ दे दिया बस।
100 रुपया। एक्चुअली हम लोग आए ट्रेवल करने, काफी नुकसान हुआ हम लोग को, ऐसे कोई मजा भी आया हम लोग काफी। और दो साथी हमारे पीछे रह गए हैं, जो हमारे एक अंकल जी हैं और एक भाई है, और हमारे साथ जो है वो मामा है हमारे, तो मामा के साथ आए हैं अभी। मस्त लग रहा है नेपाल, लेकिन बहुत खतरनाक, मतलब यहाँ पे नदी खतरनाक है बहुत। ऐसे एक्चुअली नेपाल छोटा सा देश है लेकिन बहुत बढ़िया देश है। जरूर। तो और हम बस हो गए, धन्यवाद। रंजन रमेश नाम का चैनल है, जो रंजन रमेश 6 के नाम से है, जो एक्चुअली हमारे सर है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जितना से जितना हो सकता है शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग शेयर करिएगा तो कुछ हमारे सर को भी फायदा होगा, तो आप लोग को भी कुछ नया मिलेगा। आगे और नया अच्छा वीडियो दिखाएंगे नेपाल में। एक्चुअली अभी वो है, अभी हम लोग मैरिज पे, काफी परंपरा से ये पुल है जो है नेपाल में, लेकिन इंडिया सरकार के कॉन्टेक्ट में है। जितने भी अभी तो थोड़ा हम लोग एक चूक हो, गाड़ी का फोटो वोटो सब ले लेते, दिखा देते, क्योंकि नेपाल बोर्ड इंडिया बॉर्डर से काफी हम लोग अंदर है, 50 किलोमीटर अंदर है, 50-60 किलोमीटर। जरूर तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, रंजन रमेश 6 के नाम चैनल है। देखिए इन भाई साहब का मछली मारने का अंदाज, मछली मार के एकदम सिगरेट का एकदम धुआं उड़ा रहे हैं। ओ भाई साहब, कोसी नदी के किनारे मछली बाजार भी लगा हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा मछली है ये। कितना बड़ा है और मेरे कमर के इतना बड़ा है। तो फाइनली हम लोग घूम घाम के अपने इंडिया बॉर्डर की तरफ आ गए हैं, और देखिए उधर ऊपर में लिखा हुआ है, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये यात्रा कैसा दिखाई पड़ा, कैसे क्या लगा आपको, बताइएगा जरूर कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।